गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडी, टीम केमिस्ट्री सीएलसी। आज अपन नई बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डी एंड एफ ब्लॉक में से जो जो क्वेश्चन अपने एडवांस में आए हुए हैं उनके लिए बात करेंगे। ये दोनों टॉपिक ही बेटा एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं, अमोंग निकल CO का होल फोर निकल Cl4-2CO(NH3) का होल फोर Cl2Cl, मतलब ये कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं। इन्हें पूछा है कौन से हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं, कौन से हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स की बातें करते हैं, किसकी, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स की। तो अपने पहले बात की इसकी, तो इसमें देखिए बेटा DSP2 संकरण हाइब्रिडेशन आ गया, DSP2 हाइब्रिडेशन है। तो यहाँ पर जो S वाले दो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ मूव कर जाएंगे, S वाले दो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो S वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर गए हैं, इस ओर मूव कर जाएंगे, ये 4S वाले, ये इलेक्ट्रॉन भी किधर मूव कर गए, यहाँ। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। जबकि इसके लिए बात करें, यहाँ निकल +2 में है और Cl कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, Cl कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे अपने पास, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा, कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक। यहाँ बात करें, यहाँ कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, D6 बना है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, तो यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो आएंगे, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, जीरो होंगे, तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा, कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। इसमें बात करें, यहाँ कोबाल्ट किसमें है, +3 में ही है, किसमें है, +3 में है, ठीक है, +3 में है। तो यहाँ भी क्या आया, कोबाल्ट D6 आ गया, क्या आ गया, D6 आ गया। तो अभी ये वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो ये भी कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने पास पड़े होंगे। ये परोक्साइड है बेटा, परोक्साइड में क्या लिखते हैं, -2, परोक्साइड में क्या आ गया, -2, तो ये भी कैसा आएगा, ये डायामैग्नेटिक आएगा, कैसा आएगा, डायामैग्नेटिक। CS की बात करें, CS -2 की बात करें, -1 आएगा, तो यहाँ कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को एक मिल जाएगा, तो ये कैसा आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा, क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक। अपने को इसने स्पीसीज कौन सी पूछी है कि अणुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कितनी है, तो यहाँ पर अपने पास पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कितनी मिल रही है अपने को, ऑप्शन में अपने देर का है, आंसर आ जाएगा 3। तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आ गई अपने पास, 3 पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आ गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल द कॉम्प्लेक्स CoL2Cl-1। L2 लिगेंड दे रखा है बेटा यहाँ पर, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। इसके लिए बात करें, कितने अपने पास ज्यामिति स्मायल बनेंगे, तो ज्यामिति स्मायल अगर बात करें तो अपने पास टोटल MAB का होल ट्वाइस A2 बन गया। इसके वैसे डायरेक्ट बताएं तो कितने बनते हैं बेटा, 5 बनते हैं। 5 कौन से बनते हैं उनके लिए अगर बात करें कि 5 कौन से अपने पास बनते हैं उनके लिए देखते हैं। अपने M लिया, अब देखिए इसमें एक बार डोनर ऑक्सीजन है, एक बार डोनर नाइट्रोजन है, तो अपन देख लेते हैं। यहां मैं Cl ले लूं, Cl, यहां O, N, मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं इनको, N, O, ठीक है। दूसरा M, Cl, Cl, यहां पर देखिए दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, किस सर किस पर है, ये दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन आपस में सिस कंडीशन में है। अब सेकेंड ले लेते हैं अपन, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिस कंडीशन पर हो गए और नाइट्रोजन नाइट्रोजन कहाँ हो जाएंगे बेटा, ट्रांस कंडीशन में हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे, ट्रांस कंडीशन में। थर्ड बात करें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखिए यहां पर दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिस कंडीशन में थे, यहां दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिस कंडीशन में है, ठीक है। यहां एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सिस कंडीशन में, ये ऑपोजिट कंडीशन में। नेक्स्ट बात करें,
एम सीएल दोनों ट्रांस कंडीशन में ले लें, यहां सीएल भी किसमें थे, सिस कंडीशन में थे, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों ट्रांस कंडीशन में आ गए, आमने सामने नाइट्रोजन है, आमने सामने ऑक्सीजन है। सेकेंड कंडीशन क्या ले लू मैं, सीएल सीएल ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इस बार देखिए ऑक्सीजन के सामने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के सामने नाइट्रोजन और सीएल सीएल ट्रांस कंडीशन, तो ये पांच अपने पास क्या बनते हैं, पांच ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, तो आंसर आ जाएगा अपना फाइव, आंसर आ जाएगा अपना फाइव। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कैन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इन एक्वा सॉल्यूशन द स्पीसीज एक्स वाई जेड स्पेक्टुलर। बेटा जी H2O3-2 Az के साथ क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है, Az आयन की रिएक्शन H2O3-2 से कराएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा Az H2O3 का होल ट्वाइस -3 मिलता है। इस रिएक्शन का यूज अपन फोटोग्राफी में भी करते हैं AgBr को रिमूव करने के लिए, इसमें और Az आयन मिला दिए जाएं तो क्या बन जाएगा, Az2H2O3 का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका, Az2H2O3 का फॉर्मेशन होता है। ये व्हाइट पीपीटी देता है अपने को कुछ टाइम में, आफ्टर सम टाइम ये किस में चेंज हो जाता है, पड़ा Az2S में चेंज हो जाता है, किसमें, Az2S में। इसकी अपने को ब्लैक पीपीटी मिलती है, कैसी ब्लैक पीपीटी मिलती है, ब्लैक पीपीटी अपने को मिलती है। तो देखते हैं क्या क्या बना है, फर्स्ट बना Az H2O3 का होल ट्वाइस -3, तो ये तीन में दे रखा है, नहीं तीन में नहीं सॉरी एक में ही दे रखा है, ये पहला ही आंसर आ गया अपना बेटा। सेकंड अपने पास क्या बन गया, Az H2O3, लास्ट में क्या बन जाएगा, Ag2S बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द ज्योमेट्री ऑफ द अमोनियम कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल पीटी जिंक। देखिए बेटा इनके लिए अपने को पता है, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन रहेगा, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन रहेगा, इसकी स्क्वायर आएगी +2 में, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, 4, तो इसकी स्क्वायर आएगी, उसकी क्या आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी, क्या, स्क्वायर एंड टेट्राहेड्रल। देखिए स्क्वायर एंड टेट्राहेड्रल एक में ही है, ये स्क्वायर है, ये टेट्राहेड्रल रहा, तो जिंक की तो क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल, पीटी की क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर, तो निकल +2 में क्या बना देगा, ऑक्टाहेड्रल बना देगा, क्या बना देगा, ऑक्टाहेड्रल, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है बेटा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, समझना है इसको ढंग से अपने को, ये क्या कह रहा है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं। एडिशन ऑफ एक्सिस अमोनिया टू ए पिंक कलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MCl2.6H2OX, एक सॉल्यूशन है अपने पास MCl2.6H2OX, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, MH2O6Cl2, ये कॉम्प्लेक्स है, कैसे कलर का है, पिंक कलर का है, इसको समझने की कोशिश करना, पिंक कलर एक्वस सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया इन एडिशन एक्सिस अमोनिया सॉल्यूशन, एक्वस अमोनिया का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ एक्सिस अमोनिया, एक्वस अमोनिया है साथ में क्या, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MCl2 6H2 एंड NH4Cl गिव एन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स वाई इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यहां पर एयर है साथ में, तो अपने को एक कॉम्प्लेक्स वाई मिलता है, कॉम्प्लेक्स वाई का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन, यहां से बेटा देखना काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा,
complex Y behave as 1:3 electrolyte, मतलब इसमें रेशियो किस रेशियो में आयन प्रेजेंट है, एक आयन तीन है तो एक आयन क्या है, एक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, Y कैसा है अपने पास यहां पर, इसमें यहां तीन Cl प्रेजेंट है, क्या है, तीन Cl प्रेजेंट है, यहां तीन Cl प्रेजेंट है, मतलब क्या बन गया, ये M अमोनिया है, अमोनिया लिगेंड आ गया NH3 का होल 6 Cl, इसमें देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रेशियो क्या गया 1:3 आ गया, 1:3 आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहां जो M है ये प्लस 2 में है, यहां जो M है ये प्लस 3 में है, किसमें है, प्लस 3 में है, ओके। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, द रिएक्शन ऑफ X, इसको मैं X बोल दूं, ये क्या है, X है अपने पास, इसको मैं, ये तो हो गया बेटा x, इसमें क्या करें, अपन द रिएक्शन ऑफ x विद एक्सिस cl, इसकी रिएक्शन मैं एक्सिस HCl के साथ कराऊं, एक्सिस HCl के साथ कराएंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, यहां पर रूम टेम्परेचर रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स z, यहां पर मेरे को क्या मिल चुका है, z मिल चुका है, क्या z मिल चुका है, Z मिला है, कैसे कलर का है ये ब्लू कलर का बेटा, कैसा है ये ब्लू कलर का है। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, द कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ X, X के लिए बात करें एंड Z, इन दोनों के लिए X और Z दोनों के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, 3.87 है, क्या है, 3.87 है, ठीक है, वेयर इट इज 0 फॉर कॉम्प्लेक्स Y, इसके लिए कितना आ गया अपने पास 0, म्यू का वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, 0 आ जाएगी, कितनी 0, मतलब ये डायमैग्नेटिक है, क्या है, डायमैग्नेटिक है, ओके। अब देखते हैं बेटा, 0 अमोंग द फॉलोइंग ऑप्शन विल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब देखिए एक बार थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए, क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें अमोनिया एक्वस अमोनिया एयर पास की अमोनियम क्लोराइड, तो अपने पास क्या बन गया, एम एन एस थ्री का होल 6 सी एल 3 बन गया, ठीक है, ये बन गया, ये रेशियो में किससे है 1:3, मतलब यहां जो एनाइन है वो 3 है और केटाइन क्या है, 1 है, ठीक है, इसके म्यू की वैल्यू 0 है, उसके बाद में ये पिंक कलर का है, इसको एक्सिस HCl पास की तो जेड बन गया, किस कलर का, ब्लू कलर का, इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अपने पास क्या है, यहां पर अपने पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, जबकि यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां म्यू 0 आ गया ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। अब एक एक ऑप्शन लेके चलते हैं बेटा, कह रहे जेड इज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जेड इज ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, HCl की इसी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां अपने पास कॉम्प्लेक्स क्या बन गया, MCl4-2 बन गया, MCl4-2 मतलब ये कौन हो सकता है, यहां पर प्लस इसमें है, प्लस 2 में है, ठीक है, यहां भी प्लस 2 में है, तो यहां D7 ले सकता हूं, इसको मैं क्या ले सकता हूं, D7 ले सकते हैं, तो यहां D7 है, तो एक ऑक्सीडेशन एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो गया, तो ये क्या बना, D6 बन गया, क्या बन गया, D6 बन गया, ठीक है। तो कह रहा है जेड एक चतुष्फलकीय संकर है, बिल्कुल सही बात है, ये चतुष्फलकीय संकुर हो सकता है। नेक्स्ट बात कहता है हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम मेटल इन वाई इज DSP2, देखिए बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो और ऑक्सीडेशन D6 है, तो ये किस फॉर्म में रह सकता है, इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो सकता है, D2SP3 संकरण हो सकता है, हाइब्रिडेशन हो सकता है, तो अपना सेकेंड ऑप्शन भी क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आ जाएगा, बिल्कुल राइट। ये ऑप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वेन एक्स एंड जेड आर इन इक्विवेलेंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कलर ऑफ द सोल्यूशन इज पिंक, देखिए बेटा ये दोनों ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये कौन है, ऑक्टाहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल है, सीएफएसी किसकी ज्यादा होगी, सीएफएसी अपने पास इसकी किसकी, ऑक्टाहेड्रल की अपने को सीएफएसी ज्यादा मिलेगी, इसलिए क्या होगा, इसकी सीएफएसी ज्यादा है अपने पास, तो कलर का इफेक्ट किसका रहेगा, इसी का रहेगा, इक्विवेलेंट कितना है 0, तो ये भी बात बिल्कुल सही है।
एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू वाई गिव ओनली टू इक्विवेलेंट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। बेटा देखिए यहाँ कितने सीएल मिलेंगे अपने को, तीन सीएल मिलेंगे, तो तीन AgCl प्राप्त होंगे, जबकि ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर दो ही AgCl प्राप्त होंगे, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो इसमें आंसर कौन से आ जाएंगे अपने, ए बी एंड सी आंसर आ जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोबारा देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसको रिप्लेस कर दिया, अमोनिया चेंज होगी, अगले क्वेश्चन में लिख रहेगा 1:3 रेशियो, तो यहाँ सीएल कितने आएंगे, मतलब एयर की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो कितने आ गए, तीन सीएल है, क्योंकि इसने दे रखा है, और ये डायमैग्नेटिक है, मतलब इसके म्यू की वैल्यू जीरो है, मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसमें, D6 में ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड डायमैग्नेटिक कर सकता है, ठीक है, इसका D6 आ गया। अब बात करें इसमें HCl पास किया तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा कौन सा, M+2Cl4, ये इनकी मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तीन है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि इसमें D7 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D3 और D7 में तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, उन दो कंडीशन में हो सकते हैं, D3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है D2sp3 हाइब्रिडेशन में 1:3 का रेशियो बता रहे हैं अपन, ठीक है। तो अपने आंसर याद रखना आप, 1 A, B and C, D आंसर नहीं है, अच्छा क्वेश्चन था, रिवाइज करना इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे थे सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज इज TeBr6 - 2Br2+1 SnF3 and Xenon F3- है बेटा, इसके ऊपर यहां पर माइनस प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें बात करें टी कौन से ग्रुप का बेटा, टी सल्फर ऑक्सीजन वाले ग्रुप का है, तो इसके आउटर मोस्ट में टोटल के इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6, और दो ये रे 8 हो गए, 8 में से 6 गए, एक लोन पेयर प्लस 6 सिग्मा की कंडीशन बन रही है यहां पर, क्या एक लोन पेयर प्लस 6 सिग्मा की कंडीशन बन रही है। जबकि BrF2 में बात करें, BrF2 में टोटल 7 होते हैं, एक चला गया, दो फ्लोरीन ले गया, तो दो लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा की कंडीशन बन रही है। इसमें बात करें अगर सेंट्रल एटम अपन नाइट्रोजन लो या सल्फर लो, सल्फर लेते हैं तो 3 नाइट्रोजन ले जाएगा, 3 फ्लोरीन ले गया, तो लोन पेयर कितने मिल जाएंगे अपन ने, यहाँ पर 0 मिल जाएंगे, और सिग्मा कितने बेटा, 3, 1, 4 सिग्मा मिलेंगे अपने को, यहाँ पर सिग्मा कितने है, 4। जीनोन F3- के लिए बात करें, जीनोन F3- तो जीनोन के पास 8 और 1 9 हो गए, 9 में से 3 ले गया, 6 बज गए, 3 लोन पेयर हो गए, 3 सिग्मा हो गए, 3 लोन पेयर 3 सिग्मा आ जाएंगे। तो अपन बात करते हैं यहां लोन पेयर की संख्या 1, 2 टोटल 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6 लोन पेयर हो गए, कितने हो गए, 6 लोन पेयर हो जाएंगे अपने पास, कितने हो गए, 6 लोन पेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, तो अपना इसमें आंसर कितना आ गया, 0, 6। देखिए द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनिल कंपाउंड इज द एटॉमिक नंबर 26 एंड ये दे रखे हैं, ठीक है, दो ये है अपने पास कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, FeCO का होल 5 एंड NiCl CO4। क्या टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन एट मेटल सेंटर इन FeCO का होल 5 एंड NiCl CO का 16। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा बेटा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इनके 16 वैलेंसी सेल में बात कर रहा है, तो वैलेंसी सेल में Fe में कितने जाएंगे, Fe यहाँ 0 में है, 6 तो इसके हो गए, और अंदर वाले 6+2 हो जाएंगे, ठीक है, इसमें भी अलग आएंगे, इसमें आउटर मोस्ट में 8 पड़े हैं डी में, और 6 उसमें पड़े हैं, और 2 इसमें, तो टोटल यहाँ हो जाएंगे कितने, 16, और इसमें कितने हो जाएंगे, 12 और 14 हो जाएंगे, कितने जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट अपना कितना हो गया, रॉन्ग हो गया, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, दीज आर प्रीडोमिनेटली लो स्पिन इन नेचर, बेटा जी बिल्कुल सही बात है, CO जो CO होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, तो ये लॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, तो नॉर्मली जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है अपने, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट बात करें, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज लोअर्ड, देखिए बेटा याद रखने के लिए याद करने, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल जब भी इंक्रीज होगा, ये नेगेटिव चार्ज की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव, तो
मेटल कार्बन बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, मेटल नेगेटिव चार्ज जब भी बढ़ेगा तो मेटल कार्बन बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज आएगी। जबकि सीओ बॉन्ड के लिए बात करें तो सीओ बॉन्ड में बात करेंगे अपन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, क्या जाएगी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ, जब धातु की ऑक्सीजन अवस्था कम होती है मतलब नेगेटिव की ओर चेंज होता है, ठीक कम होती है, तब धातु कार्बन बंध प्रबल होता है, बिल्कुल बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या है राइट है। द कार्बोनिल सीओ बॉन्ड वीकनर देन व्हेन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज इंक्रीज, जब ये पॉजिटिव की ओर मतलब नेगेटिव कम और पॉजिटिव की ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा तो सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। नेगेटिव की जगह अपन पॉजिटिव यूज करेंगे तो इनके जस्ट ऑपोजिट अपने को सारे मिल जाएंगे, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अपना आंसर आ गया बी एंड सी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बेटा इस क्वेश्चन में बेटा मोल कंसेप्ट को इन्वॉल्व किया गया है, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। द अमोनिया प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहां क्या बनेगा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये जिप्सम बनता है बेटा यहां, प्लस साथ में अमोनिया कितने मोल 2 मोल, यहां वाटर मॉलिक्यूल पास में रहेगा तो वाटर को और कैल्शियम सल्फेट को मिला के अपन क्या बोल देते हैं जिप्सम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं जिप्सम बोल देते हैं। अब कह रहा है यूज्ड बाय निकल Cl6H2O टू फॉर्म ए स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज्यूम द बोथ रिएक्शन इज 100%, निकल Cl2 6H2 है, इसकी रिएक्शन में कितने 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल से कराऊंगा, 6 NH3 से कराऊंगा, तो बनेगा निकल NH3 का होल 6 डॉट Cl2, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या निकल H2O का होल 6 Cl2 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं Cl2 लिख सकता हूं। अब बात करें इफ 1584 ग्राम ऑफ अमोनिया सल्फेट एंड 95 ग्राम ऑफ NiCl6H2 यूज इन प्रिपरेशन, इसका दे रखा है 1584 ग्राम और ये दे रखा है बेटा 952 दे रखा है। अब देखिए बेटा इनका मॉलिक्यूलर वेट काउंट करें, तो इसका काउंट करोगे तो इसका मतलब ये कितना मोल हो गया 12 मोल हो गया, कितना हो गया 12 मोल हो गया। इसका काउंट करोगे इसमें 172 ग्राम है, कितना है 172 ग्राम अपने को मिल रहा है। आगे देखिए बेटा देखा यहां पर मेरे टोटल में एक पहले इसको देखें, ये पूरा 1 मोल ले रहा हूं तो 1 मोल इसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2 मोल अमोनिया का हो रहा है, तो यहां पर इसके मैं 12 मोल लूंगा तो यहां पर कितने मोल बनेंगे इसके, इसके 12 मोल ही बनेंगे, कितने 12 मोल ही बनेंगे, और इसके टोटल अमोनिया के टोटल कितने बनेंगे 24 मोल बनेंगे, कितने 24 मोल। तो यहां पर मैं 24 मोल अमोनिया के लेकर चलता हूं, यहां 6 मोल एक के साथ रिएक्शन करते हैं तो 24 मोल कितने के साथ करेंगे 4 मोल के साथ, तो यहां पर इसके कितने मोल बनेंगे 4 मोल बनेंगे बेटा, कितने बनेंगे 4 मोल बनेंगे। अब इसका आप मॉलिक्यूलर मास काउंट करोगे तो कितना आएगा 232 ग्राम आएगा, कितना 232। तो एक बार दोबारा समझें क्या किया अपन ने, अपन ने एक रिएक्शन कराई, रिएक्शन तो आपको याद होनी चाहिए अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई, तो कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम बन जाएगा प्लस 2 मोल अमोनिया बनेगी, बैलेंस करके लिखा। अब ये कह रहा है कि 1 मोल इसको लेकर चले तो इसका 1 मोल ही बन रहा है। अब इसने ग्राम दिए अपने को 1584 ग्राम, इसका मतलब 12 मोल इसमें डिवाइड करोगे इसके मास का 12 मोल, ये 12 मोल लेकर चलेंगे तो यहां कितने बनेंगे 12 मोल ही बनेंगे, तो अमोनिया कितनी बनेगी 24 मोल बनेगी। अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाएं, इस कॉम्प्लेक्स में 1 मोल कॉम्प्लेक्स से रिएक्शन करने के 6 अमोनिया चाहिए, तो 24 मोल ये पूरे पूरे कंजप्शन हो रहे हैं, तो 24 मोल के लिए कितना चाहिए 4 मोल ये चाहिए,
तो ये कितना मोल बनेगा, चार मोल। अब पूछा क्या इसने, इसने पूछा है उत्पादित जिप्सम और निकल अमोनियम उपशेष यौगिक का संयुक्त भार होगा। अब देखिए 12 मोल है किसके, इसके, तो क्या लिखेंगे अपन, 12 × 172 प्लस इसके कितने बने, चार मोल, चार मल्टीप्लाई 232। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा कितना, 2992 इनका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2992 इसका आंसर आ गया। ये मोल कॉन्सेप्ट और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है और साथ में इसमें ब्लॉक केमिस्ट्री भी आ गई है, अच्छा क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखें। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक अच्छा क्वेश्चन बताया था, यही एडवांस की पहचान है। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ठीक है बेटा, इसके लिए बात करें CoEn का NH3O3 इट हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा जी ये कॉम्प्लेक्स कौन सा बना है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया MAA B3A बन गया। इसके कितने GI बनते हैं, इसके टोटल 2 GI ही फॉर्मेशन होते हैं, 2 GI का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, इट विल हैव 3 geometrical isomer इफ bidentate EN इज रिप्लेस बाय 2 cyanide प्रोसेस, 2 cyanide ligand। अगर मैं ये बन जाएगा, आप देखिए बेटा MA3 B2A बन गया, तो इसके टोटल 3 isomer बनेंगे, ये आप बात कर चुके हैं इनके बारे में, MA3 B2A बन गया तो इसके टोटल 3 GI बनेंगे, कितने 3 GI बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। ये भी कह रहा है इट इज ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, बेटा जी ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज नहीं होगी क्योंकि यहाँ लिगेंड कौन से पड़े हैं अपने पास, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पड़े हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो इसमें +3 है, D6 बन रहा है, D6 में जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा वो डायमैग्नेटिक होगा ही होगा। इट एब्जॉर्ब लाइट एज लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू निकल Cl4। बेटा देखिए इसमें ज्यादा H2O की जगह कौन है, अमोनिया बढ़ा दिए गए तो इसकी CFSC ज्यादा आएगी, इसकी CFSC ज्यादा आएगी तो लैम्डा क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, इसका लैम्डा कम आएगा जबकि इसका लैम्डा ज्यादा होगा, तो ये स्टेटमेंट भी इसका बिल्कुल राइट है, तो अपना आंसर आ जाएगा ABCD आंसर आ जाएगा इसमें, क्या ABCD आंसर आ जाएगा, ABD आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द करेक्ट ऑप्शन टू डिसमिस द नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ Mn प्लस एंड कॉपर प्लस टू टेकन स्पेक्टली। ये सॉल्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा मिक्स, अलग से लिए गए Mn प्लस टू एंड कॉपर प्लस टू नाइट्रेट विलयनों के विभेद के लिए भी Mn प्लस टू द कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर इन फ्लेम टेस्ट। बेटा जी रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट इसलिए होगा क्योंकि Mn प्लस टू एंड कॉपर प्लस टू दोनों ही ग्रीन कलर देते हैं, ग्रीन कलर इन फ्लेम टेस्ट, दोनों ही अपने को क्या देंगे, ग्रीन कलर देंगे। ओनली कॉपर प्लस टू शो द फॉर्मेशन ऑफ PPT बाय पासिंग H2S इन एसिडिक मीडियम, ये स्टेटमेंट अपना राइट होगा, ये स्टेटमेंट अपना राइट होगा क्योंकि कॉपर ही क्या H2S सेकेंड ग्रुप का है, कॉपर प्लस टू किसका है, सेकेंड ग्रुप का है, ये एसिडिक मीडियम में, किसमें, एसिडिक मीडियम में क्या दे देता है, H2S पास करने पर Cu2S का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, जबकि Mn नहीं करता। नेक्स्ट बात करें, हल्के क्षारीय माध्यम में H2S प्रवाहित करने पर केवल Mn अवक्षेप देता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया क्योंकि ये दोनों कॉपर प्लस टू एंड Mn प्लस टू दोनों ही दे देते हैं, इसमें क्या अवक्षेप दे देते हैं, ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कॉपर प्लस टू ऑब्लिक Cu इज हाइयर रिड्यूसिंग पोटेंशियल देन Mn प्लस टू Mn, बट देखिए इसका पॉजिटिव में आएगा और इसका किसमें आएगा, नेगेटिव में होता है, क्या होता है, नेगेटिव में हाइड्रोजन से नीचे मिलती है, हाइड्रोजन से ऊपर मिलती है, तो इसका ज्यादा अपने पास क्या होगा,
पॉजिटिव में आएगा तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा पॉजिटिव होने के कारण, तो अपना ये आंसर भी सही है, तो अपना आंसर आ जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट बात करते हैं, मैचिंग सेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड के लिए मैच करना है अपने को। देखिए बेटा DSP2, पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार वाले ढूंढ लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर चार, चार और चार, और बाकी तो ये कितने वाले हैं, छह वाले हैं, तो इन चारों में से DSP2 की बात करें तो देखिए बेटा इसमें अपन बात करके गए, इसमें क्या आएगा SP3 आएगा, इसमें SP3 आएगा, यहाँ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 4s वाले अंदर की ओर मूव कर जाएंगे, इसमें क्या आएगा DSP2 आएगा। तो ठीक है बेटा, अब देखिए DSP2 दे रखा है किसमें, सिक्स नंबर में, सिक्स नंबर में DSP2 तीन में है, एक में ये है, इसमें सिक्स में ही आएगा DSP2, आंसर तो वैसे यही आ जाएगा क्योंकि एक में ही है, यहाँ चार और पांच दे रखे हैं, चार और पांच में तो SP3 हाइब्रिडेशन है, SP3 आएगा चार और पांच में, ठीक है चार और पांच, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैचिंग के क्वेश्चन तो आने लगे पर ऑप्शन जो ये बनाते हैं वो अगर एक ऑप्शन भी अपने पकड़ में आ जाता है तो सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए अपने को पता लग गया इन दोनों में SP3 है और इसमें DSP2 है, तो DSP2 तो एक ही मिल रहा है अपने को जबकि बाकी दोनों में दो दो दे रखे हैं, तो ये दोनों ही रॉन्ग हो गए, एक ही आ गया। SP3D2 की बात करें, देखिए यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ये क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, तो डी इसमें तीन नंबर नहीं आएगा अपने पास, आर में क्या आ जाएगा एक नंबर आ जाएगा, जबकि यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो टाइटेनियम तो वैसे ही क्या आ रहा है, देखिए टाइटेनियम प्लस थ्री है, तो देखना D1, D2, D3 में ऑलवेज क्या आएगा D2SP3 आएगा, क्या आएगा D2SP3 ही मिलेगा, क्या D1, D2, D3 में ऑलवेज D2SP3 ही हाइब्रिडेशन आएगा, तो S का क्या आ जाएगा दो और तीन, तो आंसर आ गया सी। ठीक है, अब कई बच्चे सोचते हैं यहां वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें SP3D2 आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर D1, D2, D3 आता है तो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो आंसर हमेशा क्या आएगा D2SP3 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2 प्रोड्यूस ए सॉल्ट W, एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑक्सीडाइजिंग अनदर सॉल्ट Y, नहीं अनदर सॉल्ट X, द मैग्नीज कंटेन आयन प्रेजेंट W एंड X रिस्पेक्टली Y एंड Z, करेक्ट स्टेटमेंट इज, ये क्या कहना चाहता है बेटा, ये KMnO4 का फॉर्मेशन का मेथड है, KMnO4 का फॉर्मेशन का मेथड NCERT में दे रखा है, वैसा का वैसा अपने को यहाँ दे दिया है, क्या चीज़ है MnO2 को बेस की प्रेजेंस में O2 पास करते हैं, तो यहाँ अपने पास कौन बनता है MnO4-2 बनता है, MnO4-2 बनता है, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्या किया अपने, कह रहा है ये कह रहा है अब एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W अपॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं तो अपने को कौन मिलता है यहाँ MnO4-1 मिलता है, क्या मिलता है MnO4-1 का फॉर्मेशन अपने पास होता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये क्या चीज है अपने पास, ये W है और ये है अपने पास X, अब आगे X को क्या कह दिया इसने बेटा, W एंड X को कह दिया, ये Y बन गया इसका, इसने कह दिया Y है जो इसमें आयन है और इसमें है Z, यही बात की इसने। ठीक है, एक बार दोबारा देखिए, फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ O2 प्रोड्यूस ए W सॉल्ट, ठीक है यही बात कर रहे हैं, W सॉल्ट एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ W सॉल्ट अप्लाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ऑक्सीडेशन यील्ड X एंड मैग्नीज कंटेंट, अब ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है, इन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन Y अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन ई टू गिव जेड एंड MnO2, बेटा जी इसका ये किसमें एसिडिक सॉल्यूशन, तो ये क्या बनाता है MnO4-1 प्लस MnO2 का फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल ये MnO2 का फॉर्मेशन करता है, तो ये बोल रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन Y अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शन गिव जेड, ये Z भी देता है MnO4 और साथ में MnO2 देता है, तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल राइट हो चुका है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, बोथ Y एंड Z आर कलर्ड
कलर एंड हैव टेट्राहेड्रल शेप, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये कलरफुल होते हैं, उनमें टेट्राहेड्रल शेप होती है, कौन सी, टेट्राहेड्रल शेप होती है, बिल्कुल सही बात है। इन बोथ वाई एंड जेड पाई बॉन्ड अकर्स बिटवीन पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज, बिल्कुल इनमें जो पाई बॉन्ड बना होता है, जो यहाँ जो पाई बॉन्ड बनेगा ये किससे बना है, यहाँ से डी आएगा और इसका पी आएगा, तो क्या बन गया, पी पाई डी पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये स्टेटमेंट भी अपना राइट है। अगला कह रहा है वाई इज डाया मैग्नेटिक इन नेचर, जेड इज पैरा मैग्नेटिक, वाई जबकि पैरा मैग्नेटिक में, इसमें यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये पैरा होता है बेटा, जबकि ये डाया मैग्नेटिक होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो चुका है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा ए बी एंड सी। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन अंडर अनबैलेंस्ड है, रिएक्शन दी गई है, ठीक है, जिंक की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराई, बेटा जिंक जब भी कंसंट्रेट H2SO4 आएगा तो अपने पास क्या बनेगा, जेडन जिंक सल्फेट प्लस SO2 का फॉर्मेशन होगा ही होगा, किसका, SO2 का फॉर्मेशन, और साथ में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब देखो ये एम्फोटेरिक मेटल है, जिंक क्या है, एम्फोटेरिक मेटल है, एम्फोटेरिक मेटल NaOH से रिएक्शन करके क्या बनाती है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन करती है, किसका, H2। एम्फोटेरिक मेटल्स जो भी हैं जो NaOH से रिएक्शन करके H2 का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। जी है जो, जी क्या बना है, ये जी बना है, ये आर बना है और ये एक्स बना है बेटा, ठीक है। टी क्या बन गया, ये टी बना है एंड ये क्यू बना है। नेक्स्ट बात करें, जी क्या है, H2SNH4, जी क्या है, जिंक सल्फेट मतलब जिंक आयन है, तो यहां क्या बन जाएगा, सल्फाइड है बेसिक मीडियम में, तो जिंक सल्फाइड बन जाएगा, कैसा बन जाएगा, जिंक सल्फाइड बन जाएगा, कौन, जेड बन। नेक्स्ट आप देखते हैं क्या कह रहे हैं, आर इज ए वी शेप मॉलिक्यूल, ये रहा आर, वी शेप मॉलिक्यूल है बिल्कुल, इसमें sp2 संकरण है और इसमें 2 सिग्मा 1 लोन पेयर है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है अपना। नेक्स्ट है जेड इज ए डर्टी व्हाइट इन कलर, बिल्कुल जेड क्या, डर्टी व्हाइट कलर का होता है, इसकी पिपिट जो होती है कलर होता है आता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन टी, जिंक इन टी इज +1, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा बेटा अपना, तो अपना राइट स्टेटमेंट कौन सा आ गया, ए राइट स्टेटमेंट है, बी राइट स्टेटमेंट है, सी राइट स्टेटमेंट नहीं है। बॉन्डेड ऑफ क्यू इन इज 1 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, क्यू कौन सा, ये वाला H2, ये रहा बेटा H2 है, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा अपने को, बॉन्ड ऑर्डर 1 मिलेगा, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, तो अपना आंसर आ जाएगा ए बी एंड डी। अच्छा क्वेश्चन था, कई रिएक्शंस इन्वॉल्व थी इसमें, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्टीन नंबर क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सिस एन एम एन सी एल बॉन्ड एंगल एंड प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ सिस एम एन ई एन कॉल टू सी एल। सबसे पहले बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था EDTA के बारे में, आया था टोटल बॉन्ड एंगल पूछे थे, तो वहां आंसर 8 था, जेई मेन में आया हुआ था शायद, तो यहां वो क्वेश्चन वैसा कहूंगा, एंगल तो पूछे पर इसने कंडीशन दे दी सिस एम एन सी एल बॉन्ड एंगल, तो इसको पहले अरेंज करें, ये MN है, सिस कंडीशन लेनी है CL की, ये CL की सिस कंडीशन हो गई, EN है तो यहां N आ जाएगा, यहां N आ जाएगा, यहां N आ जाएगा और यहां भी N आ जाएगा, बीच में CH2 है, CH2 लिखे तो लिखे वरना, अब अपने वो काउंट करने बेटा, देखिए ये अपने पास 1 हो गया, ये अपने पास 2 हो गया, ठीक है, ये अपने पास 3 हो जाएगा, ये एंगल क्यों नहीं लूंगा मैं, क्योंकि ये सिस कंडीशन में है, ट्रांस कंडीशन में, अपने को सिस कंडीशन वाले एंगल लेने हैं। ऐसे ही बात करें, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया और 3 ये हो गया, ये कैसा आ जाएगा अपने पास, ट्रांस कंडीशन वाला आ जाएगा, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 1 2 3, 3 तो ये हो गए और 1 2 और 3, 3 ये हो गए, टोटल नंबर आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमोंग द फॉलोइंग, सही कथन का चुनाव कीजिए, FeCl4 हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बिल्कुल सही बात है बेटा जी, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट आ जाएगा।
नेक्स्ट बात करें बी सी ओ ई एन का एन एस थ्री का होल ट्वाइस सी एल टू, ये क्या कंडीशन बन चुकी है अपने पास, एम ए ए ए टू बी टू बन चुका है, ए टू बी टू बन चुका है, कह रहा है इसकी दो ही ज्योमेट्री बनेंगी, इसकी दो ज्योमेट्री नहीं दो से ज्यादा बनेंगी अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एफ ई सी एल फोर माइनस हैज हाइयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट देन सी ओ ई एन एन एस थ्री का होल ट्वाइस सी एल टू, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गए यहाँ पर, तो इसमें देखिए अगले कह रहा है कैटायन कोबाल्ट हैज एस पी थ्री डी टू आइब्रेशन, इसमें डी टू एस पी थ्री आइब्रेशन आएगा, इसलिए लो स्पिन होगा, क्या होगा लो स्पिन होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपने पास क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अब इसमें कह रहा हैज हायर हाई स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट देन एफ ई सी एल, तो बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को ज्यादा मिलेंगे जबकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन अपने को कम मिलेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अपना आंसर आ जाएगा ए एंड सी। नेक्स्ट बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड इन द लिक्विड फॉर्म, ये लिक्विड फॉर्म में है तो बताना है कि वेन ए चार्ज कॉम इज ब्रॉट नियर द फॉलोइंग स्ट्रीम, कि ये कंपाउंड है लिक्विड फॉर्म में, इनके साथ पास एक चार्ज अपन कॉम ये कंगा लेकर आते हैं तो कितने रिफ्लेक्ट करेंगे, जो बेटा जी पोलर होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे, जो नॉन पोलर होंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। पोलर इसमें यह पूछना चाहता है किनका म्यू नॉट बी जीरो है, किनका म्यू नॉट बी जीरो है, तो देखें एक दो तीन चार पांच और ये छह, तो छह है जो क्या नॉन पोलर है, क्या सॉरी क्या है पोलर है, सिक्स कैसे हैं सिक्स पोलर हैं, जो पोलर हैं वही क्या करेंगे इससे रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा अपना सिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं इन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द KMnO4 एंड KI इज वीकली बेस्ड सॉल्यूशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ I2 लिब्रेट फॉर फोर मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4। फिर KMnO4 लेते हैं अपन, कितने H2O साथ में और साथ में ने I माइनस लिया तो क्या बनता है यहाँ पर अपने पास I2 बनता है, क्या बनता है I2 बनता है प्लस MnO2 बनता है। अब इनको बैलेंस करोगे, इसको आप बैलेंस करोगे यहां H2O लिया मैंने, ठीक है, इसको बैलेंस करोगे तो अपने पास क्या बनेगा यहां OH साथ में OH माइनस। अगर मैं यहां पर इसके दो मोल लेकर चलता हूं, ये चार मोल, ये कितने लेंगे तीन मोल लेंगे, यहां तीन मोल अपने को सिक्स मोल लेंगे सॉरी सिक्स लेंगे तो तीन मोल I2 मिल जाएंगे, दो मोल KMnO4 से कितने तीन मोल I2 बन रहे हैं, दो से तीन बन रहे हैं तो चार से कितने बनेंगे बेटा छह मोल I2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 06। ये बस रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, केमिकल रिएक्शन है यही आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट was laid with an equal volume of amyl alcohol when it was second after the addition of one mole of 3% H2O2 a blue alcohol layer was obtained, the blue color is due to the formation of chromyl for compound X, what is the number of oxygen atom bonded to chromium through only single bond in a molecule। beta ji HCRO5 ka formation ka question aa gayi ki H2O2 ki reaction K2Cr2O7 से करवाएंगे, एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो अपने को क्या मिलता है CrO5 का ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। अब इसमें बात कर रहा है, ठीक है, इसकी बात करें Cr सिंगल बॉन्डेड बात कर रहा है तो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन कितने हैं अपने पास एक दो तीन और ये चार हैं, तो आंसर आ जाएगा अपना इस यहां पर 04 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने कोऑर्डिनेशन एंड डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन कंप्लीट हुए, नेक्स्ट पीपीटी में अपन अगेन बात करेंगे पी ब्लॉक के बारे में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।